बच्चों की सुरक्षा को लेकर पालक महासंघ मध्य प्रदेश ने बीना थाने में सौंपा ज्ञापन, स्कूली वाहन चालकों पर कार्रवाई की मांग। सभी कंपनियों की साइकिल व बैटरी बाइक एवं कार उपलब्ध है। सभी प्रकार के एक्वेरियम, रंगीन मछलियां, डॉग कैट एवं लबर्ड फूड मिलने का एकमात्र स्थान केनरा बैंक के सामने वाली गली में लकी फिश एक्वेरियम एवं बाई साइकिल स्टूडियो बीना। सोमवार को रामबाड़ जैन मंदिर के पास स्कूल के बच्चों से भरा ऑटो का अचानक पहिया निकल गया। गनीमत रही कि ऑटो नहीं पलटी, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। घटना को लेकर पालक महासंघ मध्य प्रदेश ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बीना थाने में ज्ञापन सौंपा है। जानकारी अनुसार पालक महासंघ मध्य प्रदेश के सदस्यों ने थाना प्रभारी के नाम मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे सब इंस्पेक्टर कविता द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा है। सदस्यों का कहना है कि स्कूली वाहन चालक तादाद से ज्यादा बच्चों को बिठाकर स्कूल ले आते हैं। कई ऑटो एवं स्कूल वैन बदहाल स्थिति में है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सदस्यों ने ऐसे वाहन चालकों पर लगाम लगाने एवं ओवरलोड स्कूली वाहन चालकों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान अमित साहू, राम सेवक कुशवाहा, राजेश श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, विशाल चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जी देखिए, हम लोगों ने आज एक बीना थाने में एक बच्चों की सुरक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कल एक घटना घटी है बड़ी बजरी जैन मंदिर के बाद, जिसमें निर्मल ज्योति स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा एक ऑटो, मतलब बाजार में जो ढलान चढ़ते ही उसका टायर फट गया, जिसके कारण बच्चों ऑटो था आगे आके रुक गया। अब उसमें जितने ही बच्चे थे, हम लोगों ने तुरंत उनको पहुँच के वहाँ से बच्चों को बाहर निकाला, और जो बच्चे काफ़ी डरे हुए थे, तो हमने देखा कि ऑटो में काफ़ी खामियां पाई गई। उसको लेकर आज हमने बीना थाना प्रभारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, FDOP बीना और पुलिस अधीक्षक सागर के नाम, जिसमें हम ये मांग करते हैं जितने समस्त ऑटो चालक हैं और जितनी भी जो बैन स्कूल में लगी हुई हैं, इन सभी की जाँच हो, क्योंकि सभी में लगातार खामियाँ हैं। और जिस तरीके से ये ऑटो चालक ये जो ऑटो वाहन चलाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, बच्चों को ओवरलोडिंग करके चलते हैं, तो हम नहीं चाहते कि भविष्य में अभी ऐसी कभी कोई घटना हो। अगर ये हादसा अगर स्टेफन रोड या ओवरब्रिज पे हुआ होता तो ये हादसा कभी बड़ा हो सकता था, क्योंकि कल जो ऑटो की स्पीड कम थी, तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि कभी कोई मतलब किसी बच्चे को खरोंच नहीं आई। तो हमने शासन से मांग की है कि सभी ऑटो चालकों की जो जाँच हो, सभी ऑटो की जाँच हो, और जो कंडम स्थिति में जो ऑटो चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द उनको रोडों से हटाया, ताकि भविष्य में भी कोई घटना ना हो। धन्यवाद।